अल्लाह तबारक व ताला के मुबारक नामों में से ये मुबारक नाम जिसका जिक्र आज मैं करने वाला हूँ। इसी मुबारक नाम का जो मैं अमल आपके सामने पेश करने वाला हूँ, जिसकी बरकतें और फजीलतें बहुत हैं। जब इंसान चाहता है कि मेरी मोहब्बत किसी के दिल में पैदा हो जाए, चाहे वो मर्द है या औरत है, वो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पुरतासीर इसका अम्ल है। ये जो अम्ल है, ये बहुत ही कामयाब अम्ल है। इस अम्ल की बरकतें और फजीलतें बहुत हैं। इन्हीं बरकतों और फजीलतों में आज मैं एक फजीलत की बात आपसे करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज 786। इस अमले वजाइफ के बाद हर कोई आपका दीवाना हो जाएगा। ये अम्ल पैगंबरों से होता हुआ हम तक पहुंचा है और आज ये मैं अमले वजीफा आप तक पहुंचा रहा हूं। और अब आप अपना काम कर दें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और सवाबे दारायन से मालामाल हो जाएं। ये एक बहुत अफजल नेकी का काम है। आपके एक शेयर से पता नहीं कितने लोग इस इस्मे मुबारक का नाम अपनी जुबान से कहेंगे। ये नामे मुबारक इतना पुरतासीर है और मोहब्बत वाला अम्ल है कि जो इंसान नाम की अफादियत को, गहराई को समझ ले तो वो कभी परेशान नहीं होगा। उसके चाहने वाले हमेशा ज्यादा ही होंगे, मोहब्बत करने वाले ज्यादा होंगे, क्योंकि अल्लाह का ये नामे ग्रामी जो है ये अपने अंदर चाशनी रखता है, एक मोहब्बत रखता है, एक मिठास रखता है। क्योंकि अल्लाह व तबारक ताला इंसान के दिलों को जोड़ता है और अल्लाह चाहता है कि इंसान उसके साथ जुड़ जाए। अब दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व ताला ने मखलूकात को आपस में जोड़ने की तलकीन फरमाई है। ये अल्लाह का नाम जो पढ़ता है उसके कल्ब के साथ मखलूक के कुलूब जुड़ना शुरू हो जाते हैं, लोग उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं और लोगों का उसकी तरफ रगबत होती है और लोग उसको पसंद करने लगते हैं। उसके नुकसान देने वाले, बुराई करने वाले, उसको जो है गलत कहने वाले, उससे हसद बुग्ज करने वाले कम होना शुरू हो जाते हैं जब आप ये अम्ल कर लेते हैं। इस नाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी तासीर रखी है कि अगर आप वजाइफ की दुनिया में जाकर देखें तो सबसे ज्यादा जो मोहब्बत के अम्ल हैं वो या वदूद से ताल्लुक रखते हैं। अब इंसान चाहता है कि मेरी मोहब्बत किसी के दिल में पैदा हो जाए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वो एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो सबसे पुरतासीर इसका अम्ल या वदूद है। इस वीडियो को आपने लाइक किया या नहीं किया, अगर लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपका महबूब हाजिर है, यानी कि आपके पास मौजूद है और उसे आप कुछ खिला पिला सकते हैं, तो वो तरीका भी आपको बताने वाला हूँ। अगर वो आपसे दूर है, उसको आप देख नहीं सकते, तो इसका भी तरीका आपको बता दूंगा। अगर आप 1000 मर्तबा या वदूदू पढ़ें और महबूब अगर दूर है तो महबूब का तसव्वुर करके उसकी तरफ फूंक मार दें, इंशाल्लाह वो आपकी मोहब्बत में
आपके पीछे पीछे फिरेगा। अगर महबूब आपके पास है लेकिन कुछ भी खिला पिला नहीं सकते, तो 1000 बार या वदूद पढ़कर उसके सिर पर फूंक मार दे। इंशाल्लाह वो आपकी मोहब्बत में पागल दीवाना हो जाएगा। अगर कुछ खिला पिला सकते हैं तो 786 बार या वदूद पढ़कर खाने या पीने पर दम करके उसे खिला या पिला दें, वो आप पर दीवाना हो जाएगा। ध्यान रखें, ये अम्र सिर्फ जायज मकसद का है। हराम के लिए इसका इस्तेमाल अगर करेंगे तो नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।